बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन से है। एवेलुएट इंटीग्रेशन डी एक्स अपान वन प्लस एक्स होल पावर वन बाई टू माइनस वन प्लस एक्स होल पावर वन अपान थ्री। सबसे पहले तो इस वैल्यू को हम आई के इक्वल नोट कर देते हैं ताकि हम बड़ा दोबारा से इतना बड़ा सा ना लिखना पड़े। डी एक्स अपान वन प्लस एक्स की पावर वन बाई टू है और वही वैल्यू यानी वन प्लस एक्स की पावर वन बाई थ्री है। ऐसे में ये दोनों सेम हो, पावर इसकी फ्रैक्शनल हो, तो फिर इनका जो डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन का उसका एलसीएम ले लेते हैं, यानी हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे। एलसीएम ऑफ टू एंड थ्री इज सिक्स, सिक्स हो उसका एलसीएम हो जाएगा। तो सिक्स को हम पावर बनाएंगे जो हम यहाँ पर एक्स प्लस वन की जगह पर एक दूसरा वेरिएबल यहाँ पर पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि वन प्लस एक्स की जो वैल्यू है वो टी की पावर, ये जो एलसीएम आया था वही पावर कर दिया जाएगा। और डी एक्स के लिए क्या रखेंगे, तो इसके लिए डिफ्रेंशिएट कर दें इसको, वन का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो, एक्स का डी एक्स हो जाएगा। यहाँ डिफ्रेंशिएशन करने गए पावर आगे जाएगी, जितनी भी पावर है उसमें से एक कम हो जाएगा, टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी हो जाएगा। तो इस तरीके से डी एक्स की वैल्यू सिक्स टी की पावर फाइव डी टी के इक्वल हो जाएगा। अब आई की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी इंटीग्रेशन डी एक्स की वैल्यू की जगह पर, डी एक्स की वैल्यू की जगह पर हम ये लिख देंगे सिक्स टी की पावर फाइव डी टी हो जाएगा। और यहाँ पर वन प्लस एक्स की जगह पर वन प्लस एक्स यहाँ पर टी की पावर सिक्स लिख देंगे, लेकिन उसकी पावर होल पावर वन बाई टू है, फिर माइनस है वो लिख देंगे, फिर वन प्लस एक्स यहाँ पर टी की पावर सिक्स लिख देंगे, होल पावर इसकी वन बाई थ्री है। इसे आप सॉल्व कर लें थोड़ा सा, जो कि सिक्स कांस्टेंट है तो उसे हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर कर देंगे। टी की पावर फाइव डी टी अपान ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर की पावर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी होगा सिक्स इंटू वन बाई थ्री, ये सिक्स थ्री से कैंसिल होकर टू आ जाएगा, ये टू से सिक्स कैंसिल होकर थ्री आ जाएगा। तो हमारे पास बचेगा सिक्स टाइम्स टी की पावर फाइव डी टी अपान टी की पावर थ्री माइनस टी की पावर टू बचा। इन दोनों में से टी स्क्वायर को हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो सिक्स टाइम्स टी की पावर फाइव डी टी अपान यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन लेने पर टी माइनस वन बचेगा। और इसमें पाँच में से दो पावर, फाइव में से टू पावर माइनस हो जाएंगे क्योंकि डिवाइड हो रहा है, पावर माइनस हो जाएंगे, सिर्फ न्यूमरेटर में यहाँ टी की पावर थ्री बचेगा टू पावर माइनस होने के बाद अपान में टी माइनस वन। अब हम जब इस तरीके से फंक्शन होता है यानी रेशनल, जो कि उसमें न्यूमरेटर में पावर ज़्यादा होती है डिनोमिनेटर में कम होता है, तो आपको डिवाइड करना होता है, तो आपको डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग को लिख देंगे यहाँ पर। तो अभी हम उसको रफ पर अलग से जाके डिवाइड करते हैं, टी प्लस वन से डिवाइड करना। अगले पेज पर हम ये कर रहे हैं, कहीं भी कर सकते हैं आप फेयर में भी सामने दिखा सकते हैं। टी माइनस वन से डिवाइड करना है, टी की पावर थ्री थी तो सबसे पहले इस टर्म को इस टर्म के इक्वेट करना होता है, इसकी पावर को बराबर बनाना होता है। तो इसके लिए हमें टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो टी स्क्वायर का जब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा तो टी क्यू बन जाएगा, माइनस है टी वन में इंटू करेगा टी स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे इसके, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का वो प्लस का कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ टी प्लस का हो गया है टी स्क्वायर। अब इसको इसके इक्वल बनाने के लिए प्लस के टी से मल्टीप्लाई करना होगा, तो टी से इंटू है टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर टी से इंटू का माइनस टी हो जाएगा, माइनस करने पर ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस प्लस का कैंसिल हो जाएगा, प्लस का हो गया टी, उसको लिख दिया। अब इसको इसके इक्वल बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लस के वन से इंटू करेंगे तो ये टी मिलेगा और माइनस का वन मिलेगा, माइनस करने पर यानी माइनस किया जाता है डिवाइड में तो ये प्लस माइनस कैंसिल और प्लस का वन बचेगा। ये होल दिस होल दिस अपान दिस हो जाएगा, तो ये टी स्क्वायर प्लस जो वैल्यू आई है वो हम यहाँ पर इसको नोट कर दे रहे हैं। हम डिवाइड करने के बाद टी स्क्वायर प्लस का टी प्लस का वन, और ये तो होल वैल्यू हो गई, और फिर न्यूमरेटर में जो होगा वो हमें लिखना होगा वन, और डिनोमिनेटर में लिखना होगा टी माइनस वन। अब डी टी लिखा है ये, अब इसको टर्म बाय टर्म यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम आई की वैल्यू ये चल रही, तो सी को आगे बढ़ाते हैं, सिक्स हमारा बाहर लिखा हुआ है और
हम यहाँ पर इंटीग्रेशन की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के साइन को हर एक टर्म पर बांट देंगे यानी पहले तो टी स्क्वायर, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको टी स्क्वायर का करेंगे, आप डी क्यू अपॉन थ्री लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो डी टी क्यू अपॉन थ्री लिख सकते हैं, और फिर टी का इंटीग्रेशन करेंगे आप टी स्क्वायर बाई टू लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम अगली स्टेप लिखेंगे वन का इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट जो लास्ट टर्म है उसका इंटीग्रेशन करना है, यानी वन अपॉन टी माइनस वन का इंटीग्रेशन करना है, सबको अलग अलग करना है हमको, और लास्ट में आप कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड कर सकते हैं करना चाहें तो, ऐसा तो अंडरस्टूड माना जाता है, तो हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं सी, यहाँ पर सी लिख सकते हैं। सिक्स टाइम यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, आपको मालूम है कि पावर जो भी होती है उसमें एक पावर बढ़ जाती है, तीन अगर अलजेब्रिक है तो दो से तीन हो गई, अपान में भी तीन पावर होती है, ये तो इंटीग्रेशन हो गया। इसमें वन पावर है तो टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, इसमें ज़ीरो पावर है तो वन पावर आ जाएगी, अपान में वन आ जाएगी, यानी ओनली वन का इंटीग्रेशन तो टी होता है। प्लस इस तरीके से वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि लॉग एक्स होता है, इसी तरीके से यहाँ टी है तो टी हो जाएगा, और अगर इसके साथ में कोई कांस्टेंट माइनस भी हो रहा है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप इस पूरे को एक्स कंसीडर करते हुए वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन जिस तरीके से लॉग एक्स लिखते हैं उस तरीके से लिख दिया जाएगा, जो भी लिखा है। बस यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट होता है तो उससे हमें डिवाइड करना होता है, जो कि नहीं है तो हमें डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट क्लोज कर दें, आप चाहें तो सिक्स का पूरे में मल्टीप्लाई कर दें, और टी अपनी तरफ से माना हुआ है, या तो आप लिख दें कि टी की ये वैल्यू है, या फिर हमें टी की वैल्यू को हर एक जगह पर यहाँ पर फाइंड करना होगी। टी की वैल्यू को जो हमने शुरू में माना था वो ये है, वन प्लस एक्स इजिकल टू टी की पावर सिक्स, यहाँ तो टी अगर फाइंड करेंगे तो वन प्लस एक्स की पावर वन बाई सिक्स हो जाएगी, तो टी की वैल्यू इतना लिखना चाहें तो लिखते हैं, या फिर आप ना लिखना चाहें तो वेयर कर दें, क्योंकि कई बार टी लिखना है कोई रिजल्ट मिल रहा नहीं, कोई फ़ायदा हमें दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर लिख दीजिए वेयर टी, क्योंकि टी अपनी तरफ से माना हुआ है था, इसलिए टी की वैल्यू बताना ज़रूरी हो जाएगा कि जो टी की जो वैल्यू है वो वन प्लस एक्स की पावर वन बाई सिक्स के इक्वल है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, वाखरुद्दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।